डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है हॉट वेदर पेट्रोलिंग का स्टडी करेंगे। बहुत ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉट वेदर पेट्रोलिंग। देखिए ये जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग है ये LWR CWR सेक्शन में लगाई जाती है। और देखिए ये जो पेट्रोलिंग है समर सीजन में लगाई जाती है। हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो है समर सीजन में लगाई जाती है। देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं जो चीफ इंजीनियर, बट आप समझिए जो मैनुअल में चीफ इंजीनियर बोलता है तो उसका मतलब होता है सीटी से चीफ ट्रैक इंजीनियर। तो देखिए उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा भाई कि किस जो है LWR / CWR सेक्शन में हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाना जरूरी है। बात समझिए, तो देखिए उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद जो है पेट्रोल के लिए, देखिए वही मेरे कहने का मतलब हॉट वेदर पेट्रोलिंग के लिए उस सेक्शन का जो है पेट्रोल चार्ट बनाया जाएगा। पेट्रोल चार्ट बनाया जाएगा और पेट्रोल चार्ट बनाने के बाद उसी के अनुसार जो देखिए सस्सी पीवे भाई क्या करेंगे जो है पेट्रोलिंग जो है उसी चार्ट के अनुसार शेड्यूल के अनुसार पेट्रोलिंग का जो है जिम्मेदारी जो है पेट्रोल माइन को देंगे। और मेरे कहने का मतलब पेट्रोल माइन की उसी चार्ट के अनुसार ड्यूटी लगाएंगे। बट एक बात और बता दें आपको कि समर सीजन में SSC जो पीवे हैं, JEE पीवे हैं, इसके बाद आपके गैंगमेट हैं, ये लोग भी क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। ये लोग भी अलर्ट रहेंगे क्योंकि देखिए समर सीजन में बकलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अधिक होती है। तो इसलिए ये जो ऑफिशियल्स है जिनका मैंने अभी अभी चर्चा किया ये लोग भी क्या करेंगे, अलर्ट रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है हॉट वेदर पेट्रोलिंग, ठीक है पेट्रोल माइन की लगा दी गई, तो आखिर किस कंडीशन में भाई कब लगाई जाती है भाई, उसका कंडीशन क्या है भाई, किस टेम्परेचर पर भाई। टेम्परेचर अगर मान लीजिए लो टेम्परेचर है तो क्या जरूरत है। तो देखिए इसके लिए टेम्परेचर डिसाइड कर दिया गया कि आपको हॉट वेदर पेट्रोल मैन जो है कब लगानी है, और टेम्परेचर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं नोट कर दे रहा हूं कि टेम्परेचर जो है सपोज देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि TD प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन PSC देखिए PSC स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी 1540 नंबर पर किलोमीटर एंड एवब। देखिए ये जो है, देखिए पेट्रोलिंग जो लगाने का टेम्परेचर संबंधित टेम्परेचर से रिलेटेड ये फर्स्ट कंडीशन है। अभी मैं इसके बारे में बता भी दूंगा। जो सेकंड कंडीशन है देखिए
टीडी प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन पीएससी स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी देखिए लेस देन 1540 नंबर पर किलोमीटर भाई देखिए लेस देन 1540 नंबर पर किलोमीटर एंड अदर देन पीएससी स्लीपर देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए ये है आपका टेम्परेचर से रिलेटेड कंडीशन देखिए टीडी क्या है एलडब्ल्यूआर मेरा जो है अपलोडेड है उसको देख लीजिए डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर तो डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से अगर देखिए 25 डिग्री टीडी प्लस 25 बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर देखिए आर पीएससी स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी मान लीजिए देखिए स्लीपर डेंसिटी 1540 नंबर पर किलोमीटर भाई समझिए और एवं भाई अगर आपका स्लीपर डेंसिटी जो है 1540 या एवं है पर किलोमीटर तो आप कब जो है हॉट वेदर पेट्रोलिंग भाई लगाएंगे तो मतलब देखिए टीडी प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक जब टेम्परेचर होगा तो आप क्या करेंगे ये हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगा देंगे बट देखिए जो सेकंड कंडीशन है टीडी प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन पीएससी स्लीपर ट्रैक ये भी पीएससी स्लीपर ट्रैक स्लीपर डेंसिटी लेस देन 1540 नंबर मतलब देखिए अगर स्लीपर डेंसिटी 1540 नंबर पर किलोमीटर से लेस है और एक बात और भी है अदर देन पीएससी स्लीपर है तो आपको देखिए टीडी प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक तो लगाना अब आप थोड़ा सोच भी रहे होंगे कि क्यों जो है ये हायर टेम्परेचर 5 डिग्री हायर टेम्परेचर पर तो देखिए ये जो ट्रैक स्ट्रक्चर है ये इससे बेटर है ये ट्रैक स्ट्रक्चर जो पहला वाला इससे बेटर है इसलिए जो है ये 5 डिग्री जो है हायर के बाद जो है भाई हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाने की बात की गई है अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि भाई कि क्या टेम्परेचर का रेंज होगा अब एक बात और बताना है कि भाई जो पेट्रोल मैन है उसका बीट क्या होगा देखिए एक्चुअल में जो पेट्रोल मैन भाई हॉट वेदर पेट्रोल मैन जो होगा उसको भाई कितना उसका बीट होगा तो इसके लिए देखिए बीट के लिए भी हम आपको कंडीशन बता रहे हैं देखिए फर्स्ट कंडीशन है ऑन सिंगल लाइन आर वेयर ओनली ऑन सिंगल लाइन तो फर्स्ट कंडीशन ये है देखिए ऑन सिंगल लाइन आर वेयर ओनली ओनली वन रोड
only one road in a double line. Double, देखिए double line section, double line section is having LWR oblique CWR. तो देखिए actual में one petrol man for two kilometer ये जो है देखिए सिंगल लाइन के केस में है. चलिए देखिए जो कंडीशन नंबर सेकंड है बी on double line section when LWR oblique CWR exist on both road. तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन है कि one petrol man for one kilometer length up and down road. देखिए इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन और है जिसको मैं यहां पर नोट कर दूं कि the beats of each hot weather petrol man will be thus be restricted to 2 kilometer. देखिए बहुत important item है तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए actual में अभी आपने temperature का क्या criteria था उसका study कर लिया. अब देखिए on single line मान लीजिए जो आपका section है single line है या देखिए where only one road in a double line, suppose करिए double line section हो but जो only one road क्या हो LWR CWR हो कहने का मतलब सपोज करिए आपका सेक्शन सिंगल लाइन हो तो कोई बात नहीं तो सिंगल लाइन बट अगर डबल लाइन सेक्शन हो और ओनली वन जो ट्रैक है ओनली वन ट्रैक उसमें क्या हो LWR / CWR वाला हो बात समझिए तो उस केस में one petrol man for 2 kilometer. इसका मतलब समझिए वह 2 किलोमीटर जाएगा और फिर जो है 2 किलोमीटर दूसरे रनिंग रेल के तरफ से आएगा मतलब उसका टोटल डिस्टेंस कवर जो होगा वो 4 किलोमीटर हुआ. इस बात को समझिए मतलब लेकिन बीट उसका कितना कहलाया 2 किलोमीटर. चलिए कोई बात नहीं ऑन डबल लाइन सेक्शन देखिए डबल लाइन सेक्शन में जहां पर दोनों बोथ रोड जो है भाई दोनों रोड में LWR और CWR जो भी LWR हो गया हो या CWR हो गया हो तो उसके लिए वन पेट्रोल मैन फॉर 1 किलोमीटर लेंथ अप एंड डाउन रोड. देखिए बात वही है
बात देखिए, एक बात बता दें, अभी आप इसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों 1 किलोमीटर किया गया, आप यहीं पर सुन लें क्यों, क्योंकि देखिए आप समझिए, वो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये रनिंग लाइन है, सपोज करिए ये अप है और ये रनिंग लाइन डाउन वाला है, ये क्या है डाउन वाला, तो देखिए वो पेट्रोल माइन जो है यहां से ये 1 किलोमीटर जाएगा और फिर इस रनिंग लाइन के थ्रू देखिए 1 किलोमीटर आएगा, तो इसका टोटल 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। फिर जो है देखिए डाउन लाइन को भी उसी तरह से देखिए, डाउन लाइन में भी 1 किलोमीटर गया और देखिए रिटर्न आया है 1 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया और देखा जाए तो बीट भी 2 किलोमीटर हो गया भाई, इधर से 1 किलोमीटर और फिर 1 किलोमीटर, वन ही डायरेक्शन में देखिए सेम डायरेक्शन में इसको क्या है 2 किलोमीटर चलना है, तो इसका भी देखिए बीट का समझने का फेर है, बस ये है कि इसको रिड्यूस इसीलिए किया गया, क्यों, क्योंकि देखिए मैनुअल बोलता है कि द बीट्स ऑफ ईच हार्ट वेदर पेट्रोल मैन विल बी दस बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 किलोमीटर, ओनली 2 किलोमीटर, इसका मतलब उसका बीट ओनली 2 किलोमीटर, बीट का मतलब समझ लीजिए 2 किलोमीटर हुआ। देखिए सिंगल लाइन के केस में मैं बता दूं, सिंगल लाइन मान लीजिए सिंगल लाइन का केस है, तो इधर से जो है ये जो इधर वाला रनिंग रेल है इससे 2 किलोमीटर वो जाएगा और फिर इस वाले रनिंग रेल के थ्रू जो है देखिए रिटर्न बैक होगा, तो मतलब देखिए बीट उसका यही हुआ 2 किलोमीटर हुआ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर और डबल लाइन के केस में भी देख लीजिए 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, बट बीट 2 ही किलोमीटर 2 किलोमीटर ही हुआ। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट आइटम, ये पूछा जा सकता है कि हार्ट वेदर पेट्रोल माइन का बीट जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 2 किलोमीटर याद कर लीजिए। तो हमने आपको देखिए अभी अभी हार्ट वेदर पेट्रोल माइन के लिए क्या जो है, कब आप जो है हार्ट वेदर पेट्रोलिंग जो है किस टेम्परेचर पर लगाएंगे और उसका बीट क्या होगा, इसके बारे में हमने आपको डिटेल आइडिया दे दिया। अब देखिए एक्चुअल में जो हार्ट वेदर पेट्रोल माइन है उसके लिए इक्विपमेंट क्या है, ठीक है, इक्विपमेंट फॉर हार्ट वेदर पेट्रोल माइन, देखिए कौन कौन सा, देखिए इक्विपमेंट, इक्विपमेंट फॉर हार्ट वेदर पेट्रोल माइन, पेट्रोल माइन, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूं बट आप लोग समझ जाइएगा, तो देखिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, तो सबसे पहले देखिए एचएस फ्लैग रेट 2 नंबर, एचएस फ्लैग देखिए रेड 2 नंबर, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो है हैंड सिग्नल फ्लैग रेड कलर का उसके पास क्या होना चाहिए 2 नंबर, इसके अलावा जो है उसके पास जो है स्टाफ फॉर फ्लैग स्टाफ, भाई देखिए एक्चुअल में उस फ्लैग को एक स्टाफ में क्या करेगा वो भाई इंट्रोड्यूस करके और जरूरत पड़ने पर वो क्या करेगा ना ये जो फ्लैग है उसको दिखाएगा, तो स्टाफ फॉर फ्लैग ये वन नंबर, देखिए ये बहुत ये इसका जो इक्विपमेंट है उसको आपको जानना है। डिटोनेटर्स, इसके पास डिटोनेटर्स 10 नंबर, कितना 10 नंबर, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है कैने बाउल, देखिए ये जो है कैने बाउल ये जो है ये 1 नंबर, ये कितना चाहिए उसको
वन नंबर। तो देखिए ये जो है, ये जो आपका इक्विपमेंट फॉर हॉट वेदर पेट्रोल माइन, ये आपका इक्विपमेंट चाहिए, बहुत इजी बात है। एचएस फ्लैग रेट 2 नंबर, स्टाफ फॉर फ्लैग 1 नंबर, डिटोनेटर्स 10 नंबर एंड कायने बाउल 1 नंबर, बहुत इजी है। देखिए एक्चुअल में ये करता क्या है, अभी हमने आपको बताया कि देखिए क्या है कि ये मान लीजिए सिंगल लाइन, जैसे देखिए सिंगल लाइन के केस में आप समझ जाएंगे तो वही चीज डबल लाइन में भी होगा। तो देखिए एक्चुअल में ये हॉट वेदर जो पेट्रोल माइन है, ये अपने बीट में जो है मान लीजिए स्टार्ट किया तो चलते जाएगा, और कुछ नहीं उसको अलर्ट रहना है। सन किंग देखिए ये क्या देखता है भाई, थ्रू आउट धीरे धीरे चलते जाएगा और ट्रैक को जो है देखते चलेगा। देखिए इस ट्रैक को देखते चलेगा और बताएं हम आपको, ये सन किंग को देखता है। सन किंग सपोज करिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उस समय जानते हैं बकलिंग होने की पॉसिबिलिटी जब होती है ना, तो उस समय सन किंक दिखाई देने लगता है। ये जो ट्रैक है वह एज ए स्नेक टाइप का मतलब उसको दिखाई देगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सन किंक को देखते हुए चलता है। सपोज करिए मान लीजिए उसका 2 किलोमीटर गया, कोई सन किंक नहीं दिखाई दिया, फिर जो है इस रनिंग लाइन से देखिए इस वाले इधर वाले से जो है फिर वापस आएगा, तो उसका ड्यूटी समाप्त हो गया। बट देखिए यही चीज डबल लाइन के भी केस में होगा। देखिए डबल लाइन के केस में सीधा बात है कि उसका बीट रिड्यूस होकर के हाफ हो जाएगा, रिड्यूस होकर के हाफ हो जाएगा। और आपको मैं बता दिया था कि देखिए सपोज करिए इधर से वो जाएगा 1 किलोमीटर और फिर इस रही देखिए इसी रोड पर 2 रनिंग लाइन है, तो देखिए इधर से वापस आ जाएगा बस। तो ये मान लीजिए अप का उसने कंप्लीट कर लिया, फिर जो है डाउन, ये डाउन लाइन है मान लीजिए, तो डाउन लाइन में जो है इस रनिंग रेल के थ्रू जाएगा, देखिए बगल में जाता है भाई, और ये जो है क्या होगा 1 किलोमीटर पहुंचा और फिर जो है रिटर्न इधर से चला आएगा बस। हाँ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सपोज करिए कि ये जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन है वो जा रहा है और उसको बाय द वे कहीं सन किंक दिखाई दे गया, और तो वो तुरंत जो है सन किंक को देखते ही देखिए उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो तुरंत जान जाते हैं भाई। ऐसा नहीं है जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन है वो हमेशा वही ड्यूटी, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उन्हीं एक्सपीरियंस उनको दिया जाता है। तो देखिए वो अपने एक्सपीरियंस से तुरंत जान जाते हैं कि यहां पर जो है ट्रैक स्ट्रक्चर कुछ गड़बड़ होने वाला है, बकलिंग होने वाला है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, जो भाई पेट्रोल मैन है उसके पास क्या है, देखिए कैने बाउल है, वो क्या करेगा सपोज करिए किसी भाई देखिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सन किंग उसको दिखाई दिया, तो देखिए सन किंग अगर दिखाई दिया तो भाई ऐसा है कि सन किंग जो देखेगा तो उस पर्टिकुलर लोकेशन से 100 स्लीपर इधर और 100 स्लीपर इधर चेकिंग करेगा, जांच करेगा, किसका जांच करेगा, स्लीपर के फ्लोटिंग कंडीशन को, स्लीपर के फ्लोटिंग कंडीशन को। अब आप सोच रहे होंगे ये फ्लोटिंग कंडीशन क्या है, तो फ्लोटिंग कंडीशन मतलब हालोनेस, स्लीपर के अंदर हालोनेस मतलब बैलास्ट का जो है पॉकेट नहीं ना बन गया है बैलास्ट, बात समझिए। तो वो क्या करता है देखिए उस पर्टिकुलर लोकेशन से 100 स्लीपर इधर 100 स्लीपर इधर
दोनों तरफ ये जो कहने बाउल है इसका, उसको क्या करता है, अरे भाई उसको जो है गिराता है, अरे भाई उसको वर्टिकली जो है, देखिए ये स्लीपर है, ये आपका क्या है, ये सपोज कर ये स्लीपर है, तो दोनों इंड पर स्लीपर पर, दोनों इंड पर भाई, इस इंड पर भी और इस इंड, दोनों इंड पर स्लीपर के दोनों इंड पर जो कहने बाउल को क्या करेगा, वो गिराएगा, तो गिराएगा तो साउंड होगा और उस साउंड से वो जो है कैच कर लेता है कि नहीं बकलिंग होने की पॉसिबिलिटी है या माइनर सन किंक है। बात समझिए, तो हालोनेस का पता जो है वो उस कहने बाउल से पता लगा लेता है। देखिए अगर बैलास्ट कंडेंस है उसका साउंड, और बैलास्ट नीचे जो है सपोज करिए पॉकेट बन गया है तो उसके साउंड स्लीपर के नीचे, दोनों में फर्क होगा, साउंड में फर्क होगा, तो इससे वो कैच करता है। और देखिए सपोज करिए कि बकलिंग की पॉसिबिलिटी अगर मान लीजिए उसने जज कर ही लिया तो एट वंस जो है प्रोटेक्शन का काम करेगा रूल के अनुसार। वो देखिए उसके पास ये क्या है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग को जो है का यूज करेगा, रेड फ्लैग का। और देखिए ट्रैक को प्रोटेक्ट करने के बाद, देखिए डिटोनेटर है ना, तो डिटोनेटर से अकॉर्डिंग टू रूल, अब यहां रूल नहीं बताया जा सकता है, आपको शॉर्ट नोट या सिर्फ हॉट वेदर पेट्रोलिंग में लिखना है तो आप इतना लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रूल ये ट्रैक को प्रोटेक्ट करेगा, ये डिटोनेटर है ना, तो डिटोनेटर से ट्रैक को प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। बट देखिए एक बात बता दें, उसी समय किसी भी तरह से वह SSC पीवे, JEE पीवे और अपने गैंग में, तो पहले वो कोशिश ये करेगा, ध्यान दीजिए सबको इंफॉर्मेशन करना है, बट वो उसके नजदीक कौन होगा, मतलब ज्यादा नजदीक की बात मैं कर रहा हूं, वो गैंगमेट होगा, तो गैंगमेट को तुरंत इंफॉर्मेशन भेजवाएगा। चाहे देखिए वो इंफॉर्मेशन बार बार मैं कह रहा हूं अंडरस्टूड है, कैसे भेजवाएगा, वो भेजवाएगा बस। अब गैंगमेट JEE पीवे और SSC पीवे सबको जो है ये इंफॉर्मेशन देगा कि पर्टिकुलर लोकेशन बताएंगे, ये जो है पेट्रोलमैन बताएगा ही, और उसके बाद जो है वे लोग भी तुरंत जो है एडवांस जो है अपने टीम के साथ साइट पर आएंगे। और देखिए पहले वो ट्रैक का प्रोटेक्शन करके और उसको जो सनकिंक बना हुआ है उसको रिमूव करने की कार्यवाही करेंगे। और सपोज करिए ट्रैक बकल कर गया हो, सपोज करिए, तो बकलिंग के समय जो है क्या कार्यवाही की जाती है, वो हमने अपने LWR जो अपलोड किया है उसमें बता दिया है, तो कार्यवाही उनको करनी पड़ेगी। तो ये है देखिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग, ये टोटल आपका हो गया हॉट वेदर पेट्रोलिंग। तो देखिए वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको फिर जो है अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।